बच्चों है ना, I am back again. तो भाई हिस्ट्री के टिप्स मैंने दे दिए हैं, वो YT शॉर्ट अगर आपने मिस किया है तो जरूर देख लीजिएगा. लेकिन बाकी इको पॉल साइंस और जियो का क्या, तो फटाफट दे रही हूँ ज्ञान ले लो. सोशल साइंस को हम हमेशा बहुत थियोरिटिकल सब्जेक्ट समझते हैं और उस तरीके से ही प्रिपेयर करते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये तीन सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं. यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू राइट द आंसर्स इन पॉइंटर्स, शायद ज्यादा बेटर फ्रेम हो तो आंसर्स को पॉइंटर्स में और सब हेडिंग्स में लिखने की कोशिश करना, बहुत अच्छा आंसर फ्रेम हो सकता है. यूज द नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं करना है ग्लोबलाइजेशन में जो पढ़ा वहीं लिखेंगे, लाइफलाइंस में जो पढ़ा वहीं लिखेंगे. इंटरकनेक्ट करिए, आपके लिए कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और डर कम लगेगा क्योंकि पॉइंटर्स ज्यादा बन जाएंगे, आंसर ज्यादा बेटर फ्रेम हो पाएगी, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. तीसरा भाई, मैराथन कर दिया है. मैराथन में एनसीईआरटी से पढ़ा कर रिवाइज करवा रही हूँ, माइंड मैप्स करवा रही हूँ, मैप्स करवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, तो डू नॉट मिस दैट. ऑल्सो मॉक टेस्ट के लिंक्स लाइव हो चुके हैं, गो एंड अपियर फॉर इट. इससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस और क्या होगी. ऑल द बेस्ट.